कैसा क्या एग्जाम बताइएगा? बढ़िया था जी सर। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 80-85 मार दिया है। 80-85 मार? हाँ। अच्छा, तो टोटल आपको जैसे कहा जाए पेपर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है, जो दिए हैं तो भरोसा है जी। तो अभी कहें कि एक जन की टीसी बहुत हार्ड पेपर आया होगा? नहीं नहीं, वो तो अपना अपना सब एथी है, ठीक है ना। हाँ, सब अपना अपना है, जिसका जो समझ में आएगा वो लिखा है, ठीक है। टोटल मतलब कह दिया कि आप 80-85 मारे हैं जी। आपका जोन कौन सा है? मतलब आपका बोर्ड कौन सा, बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किए हैं? ओ तो मध्यम। मध्यम से? मध्यम से। अच्छा, मध्यम मतलब नहीं समझे हम। संस्कृत विद्यालय। नहीं, वो हम नहीं पूछना चाह रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं ना कि आप कौन सा बोर्ड से फॉर्म अप्लाई किए हैं? बिहार से है। बिहार थोड़े है या हाजीपुर ना होगा? हाजीपुर से किए हैं? नहीं, हाजीपुर से नहीं किए हैं। नहीं, कहाँ से किए हैं? हम तो बक्सर जिला से। बक्सर जिला से मतलब? नहीं, जैसे कि आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा कहना ये है कि आप कौन सा जगह से फॉर्म अप्लाई कहाँ से किए? आपका घर नहीं पूछ रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कहाँ से किए? अरे भाई, तो फॉर्म मतलब अप्लाई किए हैं तो मान लीजिए अपना नज़दीकी मार्केट से ना, जो जहाँ है शहर टाउन वही ना। हाँ, आप मजाक मत कीजिए, सामने में देखिए आपका ये हो रहा है। और बच्चे लोग को कुछ क्वेश्चन बताइए, जैसे कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए। आने का समय नहीं, हमको ट्रेन पकड़ना है, दो तीन को हम पूछ ले रहे हैं, बता दीजिए खाली। हमको ट्रेन, मैथ्स का क्वेश्चन कैसा लगा? अकेले हैं। मैथ्स का क्वेश्चन कैसा? ठीक है, सब ठीक है। बताइए कैसा एग्जाम आपका? एग्जाम बहुत मस्त है, टॉप था एग्जाम। एग्जाम में जो पाई किए थे सब आया है। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए? करीब करीब 80 क्वेश्चन मार दिए हैं, उसमें सही या गलत है। अच्छा, सही गलत ये नहीं पता है? हाँ, नहीं। कुछ क्वेश्चन याद है क्या? क्वेश्चन तो याद नहीं है, वही वर्गमूल सब आया था। वो कहाँ? कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है? कितना बताया बनाया आपको? सर ऐसे क्वेश्चन में 76 क्वेश्चन हल किया हूँ। 76 किए? आप कितना किए हैं? 80 कर दिए हैं सर। 80 किए हैं। कौन सा जोन है आप लोग का? जी, जोन इलाहाबाद है। इलाहाबाद है आपका जोन? इलाहाबाद। हाँ सर, तो कुछ क्वेश्चन बताइएगा, साइंस का किस टाइप से क्वेश्चन था? साइंस में आया था वही, फिजिक्स से आया था। फिजिक्स से? जी। कैसा था? जैसे दर्पण से था? ठीक है, दर्पण से था। ऐसा सरल क्वेश्चन था, दर्पण साइंस का। रीजनिंग था? रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग भी अच्छा था, दिशा वाला ज़्यादा रीजनिंग था। सिटिंग अरेंजमेंट था? जी जी जी। ओवरऑल मतलब पेपर कैसा लगा आप लोगों की? हार्ड था, इजी था? हार्ड तो था, हार्ड बहुत था। हाँ, बहुत था, बहुत ज़्यादा, बहुत अल्टर टाइप के था। मतलब नया सिरे से बताया, नया सिरे से था। और मैथ्स का कैसा लगा लेवल? मैथ उतना ज़्यादा कोई खास नहीं था। मैथ सरल था, जो पढ़ा था उसके लिए कठिन नहीं था पेपर। अच्छा, जो पढ़ा उसके लिए नहीं, बहुत अच्छा पेपर था। चक्रवृद्धि व्यास था मैथ, चक्रवृद्धि व्यास। करंट अफेयर्स कहाँ का आया था, किस टाइप से? नहीं था उस, जैसे कि क्रिकेट वगैरह के बारे में दिया था कि मतलब किसको अवार्ड दिया गया, वो सब दिया था। अच्छा, सुनिए ना, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। बोलिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, जैसे कि लाभ आने वाला? हाँ हाँ था, लाभ आने वाला। और आपका टाइम एंड डिस्टेंस है यहाँ से कुछ क्वेश्चन? टाइम डिस्टेंटिंग हाँ सर था, यहाँ से। हाँ, दूरी वूरी सब था सर। रीजनिंग में टोटल सीरीज उरीज सब आया हुआ था? सीरीज का क्वेश्चन मैं उस समय था, कोडिंग से था। कोडिंग और दिशा था ज़्यादा। और आपका स्ट्रैटेजी के में त्यौहार या दिवस यहाँ से कुछ क्वेश्चन? ना उस समय ना। आप बताइएगा जैसे कि ओवरऑल आपको क्या कहा जाए, आपको चारों पोर्शन में से सबसे हार्ड कौन सा पोर्शन लगा है? मैथ्स रीजनिंग से? सर ऐसे तो मैं तैयारी नहीं किया था सर, मैं अभी पढ़ रहा था, वो 2019 का सन का था पेपर, इसलिए बहुत बच्चे कम भी आए थे पेपर देने के लिए। बच्चे पेपर नहीं दे, हार्ड जो नहीं पढ़ा था उसके लिए हार्ड है सर। और अच्छा, जो है थर्ड शिफ्ट का आपका एनालिसिस था और आप लगभग देख चुके होंगे कि पूरा हम लोग किए हैं, लेकिन सही तरीके से जो है कह सकते हैं कि क्वेश्चन सही तरीके से बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, उनको याद नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे ना, ये आपका जो भी क्वेश्चन आया हुआ है हम जो है इसे पूरा डाटा कलेक्ट करेंगे और आधा घंटा से एक घंटे के अंदर में पूरा आपका इस फॉर्मेट में, जैसे आप लोग जो है निकाल भी सकते हैं। देखिए आपका हर एक शिफ्ट वाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, इसका जो है टेलीग्राम पे फ्री में दे देंगे। जैसे आपका सेकंड शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का आपका क्या किया है टेलीग्राम पे भी दे दिए, वहाँ से आपका तीसरा नंबर आप लोगों को पॉइंट बता दें कि आज आपका साइंस का फॉर्मूला का 8 से 8:30 बजे के करीब में आप लोगों के लिए एक वीडियो आएगा, वहाँ से देखिएगा पूरा आपका साइंस का फॉर्मूला, 10 से 15 या 20 फॉर्मूला उसके अंदर है, पूरा क्वेश्चन साइंस का उसी फॉर्मूला से आपका रिपीट हो रहा है। तो वहाँ से भी आप लोग उसका पीडीएफ भी आप लोग टेलीग्राम से जो है फ्री में ले लीजिएगा। और ये अभी वाला जो एनालिसिस है बिल्कुल सही नहीं हुआ है, फिर भी जितना हुआ है, जितना भी स्टूडेंट का सपोर्ट है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे का जो भी है पूरा क्वेश्चन का जो आपको पूरा साइंस और जीके जीएस का पूरा आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पूरा बढ़िया तरीका से, पूरा जो आपका करीब 30 से 40 क्वेश्चन के करीब में जो है एकदम एक्यूरेट निकालेंगे और आपको दे देंगे। तो हम लोग मिलते हैं कब, अगले दिन मिलेंगे हम लोग अगला एनालिसिस में, लेकिन आज जो रात में जो हम लोग 8 या 8:30 बजे के करीब में आपको एक वीडियो आएगा साइंस न्यूमेरिकल का, वैसा साइंस न्यूमेरिकल का फॉर्मूला वाला रहेगा आपका, कि आपका 10 से 15 आपका ऐसा फॉर्मूला जो कि हर एक शिफ्ट में रिपीट कर रहा है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।